नमस्कार दोस्तों, 17 ऐड वाले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कुलबीर राजपूत और मैं आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो हमारे घरों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। गर्मियों का ये प्रोडक्ट है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीलिंग फैन की। सीलिंग फैन जो हमारे पास में आया है, इवास कंपनी का है। जैसे आप इस पे ब्रांडिंग देख सकते हैं इसकी, ये इंफ्रा मार्केट का जो है इनका एक प्रोडक्ट है, मार्केटिंग करते हैं इस कंपनी की। तो अभी मैं बेसिकली आपको एक मोटा मोटा इस चीज जो इस कंपनी के बारे में, हमें इस फैन के बारे में पूरा बताना है, वो मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ। जैसे आप इस पे देख भी सकते हैं कि ये सारे जो भी फीचर्स है इसमें, लो नॉइज ऑपरेशन है और ये सारी चीजें इसमें, फीचर्स को एक दिखाते हुए, हर चीज को इसमें प्लेस करते हुए हमें इसको कंप्लीटली इसको बनाना है, ठीक है। तो अभी हम इसका मॉडल करेंगे, इसका एनिमेशन करेंगे, रेंडरिंग होगी, लाइटिंग वगैरह सारी चीजें जो आप हमारे ऑलरेडी सारे वीडियोस में देखते हो वो हम इसका दिखाएंगे। बाकी अभी मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि रियल प्रोडक्ट कैसा दिखता है। बाकी आप इमेज में देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट दिखता है। और अब मैं आपको एक एक चीजें इसमें दिखा देता हूँ। जो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी चीज है वो है इसका ये मोटर, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा जो नॉर्मल फैन है उसी की तरह दिखता भी है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग कलर है, अलग अलग टेक्सचर है, इसमें जितने मोल्ड्स वगैरह हैं सारी चीजें हमें पूरा बनाना पड़ेगा इसको। दूसरा मैं जल्दी जल्दी से आपको एक दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं। ये नॉर्मली जो हर फैन में होती है वो विंग्स है, लेकिन विंग्स भी क्या होता है कि सबकी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। तो वो सारी चीजें मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जो कलर है वो हमें सेम ऐसा ही कलर डालना है। क्योंकि आप इसमें अगर डिटेलिंग में अगर थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेक्सचर, एक शाइनिंग टाइप का टेक्सचर है, और जो जिस तरह से ये बना हुआ है पूरा हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा। बाकी ये जो फैन है ये रिमोट से चलने वाला फैन है, तो इसको भी हमें पूरा मॉडल करना पड़ेगा। ये इसमें एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो हमें बनानी पड़ेंगी सारी। और जो इसमें कैनोपी वगैरह है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, दोनों का अलग अलग है, और साइड में इसमें ऊपर बीच में ये लगा हुआ है। तो ये भी हमें पूरा प्रॉपर मॉडल करके दिखाना पड़ेगा, हर चीज दिखानी पड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं बेसिक जो हर फैन में होता है, इसकी वैसे हमें मॉडल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको भी मॉडल करके दिखाएंगे पूरा। तो अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है बनाने से पहले, इसमें हम सबसे पहले इसका स्टोरी बोर्ड बनाते हैं कि हमें किस किस फ्रेम पे काम करना है, किस तरह से इसको दिखाना है, क्या क्या हमारे हर फ्रेम में दिखेगा, किस कहाँ पे हमें इसके विंग्स दिखाने हैं, कहाँ पे इसको कैनोपी दिखानी है, कहाँ पे इसकी मोटर दिखानी है, कहाँ पे इसको शाइनिंग करना है, कहाँ पे इसको हाईलाइट करना है, वो सारी चीज जो होती है वो हमारा स्टोरी बोर्ड में डिसाइड होती है। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं जहाँ पे हमारा स्टोरी बोर्ड बन रहा है ऑलरेडी। तो चलिए, तो मैं आपको ले आया हूँ जहाँ पे हमारा स्टोरी बोर्ड का काम चल रहा है। तो देखिए ये हमारे आर्टिस्ट है जो बना रहे हैं इसको। तो अब ये हमें समझाएंगे कि किस तरह से इसको ये बना रहे हैं, हर स्लाइड में कैसे काम होगा, ये पूरा हमें समझाएंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो कोई हम वीडियो बनाते हैं, या मान लो कोई फिल्म बनती है, या कोई मान लो हम कमर्शियल वीडियो रेडी करते हैं, तो उसके पीछे की जो कहानी होती है वो एक स्टोरी बोर्ड की होती है। स्टोरी बोर्ड में दिखाना क्या है, बनाना क्या है, उसी हिसाब से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें बना लें, क्लाइंट रिजेक्ट कर दे, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। स्टोरी सबसे पहले हम लोग स्टोरी बोर्ड पर काम करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारा जो स्टोरी बोर्ड है, ये दरअसल एक ये प्रॉपर मॉडल है, ये प्रॉपर आप देख रहे होंगे, ये प्रॉपर हमने बनाया हुआ है। अब इसको मैं एक एक सीन करके समझाता हूँ कि इस पे काम कैसे होगा। सबसे पहले ये फैन है, ये लो एंगल से दिखेगा, लो एंगल से दिखेगा ये फैन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्लाइड जो आएगी वो साइड में आएगा, इसकी ये चीज प्लेटें दिखानी है, जो इसके विंग्स हैं, कुछ मोटर्स दिख दिया। फिर ये फैन दोबारा, ये कैमरा हमारा उस प्रोडक्ट के पास जाएगा थोड़ा सा, जैसे मान लो ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के पास में जाएगा, ये फैन घूमता रहेगा और पीछे की तरफ जाएगा। ये तीसरा स्लाइड ये हो गया, चौथा यही हो गया, यहीं से फैन जो है घूम रहा होता है। और एक कमरे के अंदर दिखाएंगे हमें, एक इन्वायरमेंट है, वुडन वर्क हो रखा है उस पर, नीचे प्रॉपर बेडरूम है, ठीक है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में उसी सीन में ही हम इसको क्या करेंगे, पीछे प्लेन बैकग्राउंड पे इसको हम प्रॉपर इसकी, इसको क्या बोलते हैं, पैक शॉट एनिमेशन करेंगे, जिसमें इसके हर एक पार्ट्स दिखे कि इस पर डिटेलिंग क्या क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेडरूम में, आ गया बेडरूम में ही हम दिखाएंगे इस पे नेक्स्ट एनिमेशन हो रहा है, इसके घूम रहे हैं डिफरेंट एंगल से, हम थोड़ा सा उसके सिनेमेटिक शॉट्स निकालेंगे। इसमें बेडरूम हमने ऐसा डिजाइन किया है, ऊपर वुडन वर्क हो रखा है और नीचे लाइटें लगी हुई हैं, कुछ पर्दे लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा सा एक लग्जरी हमने थोड़ा सा इन्वायरमेंट इसमें क्रिएट किया है। लेकिन जो स्टार्टिंग के है इनमें कौन सा बैकग्राउंड रहने वाला है? ये सबसे पहले तो रहेगा इसमें डार्क रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट पे हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा यहाँ चौथे स्लाइड से ही बेडरूम का हमारा आना स्टार्ट होगा,
तो फिर उसके लिए तो हमें यहाँ पे थोड़ा शाइनिंग डालनी पड़ेगी विंग्स पे, क्योंकि नहीं तो ब्लैक बैकग्राउंड में थोड़ा दिखेगा नहीं डार्क में। हाँ ये कर सकते हैं, थोड़ा बीएफएक्स पार्ट हम इस पे ऐड करवा देंगे, जिसमें ना एक थोड़ा शाइनिंग लाइट जो है, जैसे पंखा घूम रहा होता है तो उसके विंग्स के ऊपर हम, मोटर्स के ऊपर हम इसमें थोड़ी शाइनिंग और रिफ्लेक्शन करवा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ये स्लाइड। ये पंखा जैसे ही यहाँ पर ये रूम हुआ, इसी पे जूम करते हुए यहाँ पहुंच गया। अब ये पंखा ऐसा रहेगा और ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, थोड़ा सिनेमेटिक शॉट हो जाएगा। फिर रिमोट कंट्रोल हमने दिखा दिया, इसमें रिमोट से फैन घूमता रहेगा और इधर थोड़ा पॉपअप होता रहेगा कि हाँ एक रिमोट से कनेक्टिविटी हो रही है दोनों में। फिर उसके बाद ये आ जाएंगे इसके 5 से 6, आपने जैसे कलर बताए थे कि 5 से 6 कलर होंगे इसके, तो ये एक प्लेन हमने व्हाइट बैकग्राउंड क्लाइंट ने बोला है जैसे आप बता रहे थे, तो उस हिसाब से ये बैकग्राउंड हो जाएगा और लास्ट में लोगो आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। अब बताइए अगर कुछ आपको उसमें और कुछ ऐड करवाना है तो। नहीं ठीक है, ये ठीक है, अभी तो सही हो गया है। चलिए अभी चलते हैं हम इसको जैसे जैसे काम एक कमर्शियल वीडियो पे कैसे काम हो रहा है, मॉडल कैसे बना हुआ है, वो हम प्रॉपर आपको स्टूडियो के अंदर दिखाते हैं। तो स्टोरी बोर्ड हमारा रेडी हो गया है, अभी मैं आपको ले आया हूँ अपनी स्क्रीन पे जहां पर हमने इसका पूरा मॉडल तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वायर फ्रेम में एक एक चीज है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बना है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा डिटेलिंग में मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा इसमें जूम करके ले जाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर के सारे पार्ट बनाए हैं, क्योंकि इसका पूरा पैक शॉट बनेगा तो इसलिए अंदर के पार्ट भी बनाने बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो मैं आपको उसको मॉडल व्यू में दिखा देता हूँ, वहां पर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि किस तरह से ये पूरा फैन बना है। ये देख सकते हैं आप, इसके हमने सारे पार्ट बनाए हैं, वो भी थोड़ा सा मैं एक दो पार्ट आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर एक एक चीज की मॉडलिंग हुई है। ये इसके अंदर के पार्ट है जो बेयरिंग वगैरह होते हैं, जिसमें पूरी वाइंडिंग होती है कॉपर की, वो सारी चीज हमने पूरा प्रॉपर तरीके से बनाई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से पूरा फाइनल व्यू किस तरह से आया है हमारा टेक्सचर होने के बाद में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें प्रॉपर आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल कलर हमने मैच किया है। इसमें हर चीज आपको प्रॉपर दिखेगी, जिस तरह से हमें स्टोरी बोर्ड का तैयार किया था वैसे वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि सारी किस तरह से बना है ये। तो इसमें मैं जो एनिमेशन के कुछ पार्ट में दिखा देता हूँ आपको, जैसे जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा हमें टाइम लगा है, जैसे ये पैक शॉट वाला था तो इसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि इसमें सारे पार्ट खुलते हुए दिखाने थे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दो एनिमेशन और मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने आपको बताए थे। और ये दूसरा एनिमेशन आप देख सकते हैं जिसमें इंटीरियर पार्ट भी मॉडल हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ फैन फैन नहीं करना होता है, जो हमें अगर इंटीरियर में अगर दिखाना होगा तो हमें पूरी चीजें इंटीरियर करनी पड़ती है। क्लाइंट को लगता है कि हमने सिर्फ फैन फैन का मॉडल किया है, जो मेहनत की है फैन पे की है, लेकिन फैन को दिखाने के लिए जो अंदर की चीजें हैं, जितना भी इंटीरियर इसमें पार्ट आप देख रहे हैं, जो सारा कर्टेंस वगैरह है, दीवारें हैं, दीवारों की लाइटिंग टेक्सचरिंग, उनपे किस तरह का पेंट हमें दिखाना है, जो उसमें वुडन दिखाना है किस तरह से दिखाना है, ऊपर जो लाइटिंग सीलिंग में लगी है, वो सारा प्रॉपर हमें मॉडल करके एनिमेशन करके वो दिखाना होता है। तो उसी के बाद में हमारा पूरा प्रोडक्ट निकल के आता है, और ये सब करने के बाद में हमारी वीडियो फाइनल आउटपुट निकल के आता है, वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। वो आपका स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग आप सारा देख सकते हैं कि किस तरह से हमने लाइटिंग वगैरह करके ये पूरा फाइनल दिखा रहा है। और ये वीडियो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आपको डिटेलिंग में आप हर चीज़ उसमें देख पाओगे। बाकी इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।